आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। आपने कहा मध्य प्रदेश में संजीवनी क्लिनिक में ना डॉक्टर ना दवाइयां। आपके प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत पटेल ने कहा मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जब डॉक्टर दवाइयां नहीं है तो संजीवनी क्लिनिक की बात करना बेमानी है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर एमपी में संजीवनी क्लिनिक खुलवा दिए गए, लेकिन मध्य प्रदेश में संजीवनी क्लिनिक में ना तो डॉक्टर और ना ही दवाइयां। उन्होंने रतलाम का उदाहरण देते हुए कहा कि केवल रतलाम ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में संजीवनी क्लिनिक बदहाल है। मध्य प्रदेश के अंदर सरकारी अस्पतालों की हालत तो बहुत खराब है ही, और अभी जो खबरें आ रही हैं रतलाम जिले में जो संजीवनी क्लिनिक है दोनों संजीवनी क्लिनिक में डॉक्टर नहीं है। ये जो संजीवनी क्लिनिक का कॉन्सेप्ट शिवराज जी की सरकार लेके आई थी वो ये था कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की नकल, लेकिन मैं इनको कहना चाहता हूं नकल करने में भी अकल लगती है, अकल लगती है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक तो बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं, उनमें प्रतिदिन लाखों लोगों का इलाज भी हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर संजीवनी क्लिनिक में ना तो डॉक्टर हैं, ना तो नर्सें हैं, ना तो दवाइयां हैं, ना तो उनका लगा हुआ ताला कभी खुलता है। संजीवनी क्लिनिक तो छोड़ दीजिए, यहाँ के बड़े बड़े अस्पतालों की यह स्थिति है कि वहां पर डॉक्टर नहीं है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।